And I'm very happy my life has changed. And I have so much positivity. And I love you, baby. Chana. ये सब बहुत मेहनत करने के बाद ये महारत हासिल करी है, ये परफेक्ट शेप पाने की. एंड यहाँ मोमोज आर बहुत परेशान कर रखा है इसको. मेरी सारी कॉफ़ी चाहिए, इसी इसको मेरी कॉफ़ी चाहिए. ड्रॉप इट. आज कोको को फ्रीडम मिली है हमारे, तो महाराज जी हर जगह घूम रहे हैं और उनको पूरा एक्सप्लोर करना है 12 सेक्टर के, वो कहाँ कहाँ. अंजलि अंजलि देखिए वो आ गया. नो कोको, नो कोको, नो कोको के इतने सारे फ्रेंड्स हैं. अंजलि, आयुष्मान, सैफ वहाँ पे दो और बैठे हैं और एक और मिले हैं कोको से जो कोको के फैन हो चुके हैं. कोको के फ्रेंड्स हेलो करो, कोको के फ्रेंड्स हेलो करो. कोको देखो सब आपको हेलो कर रहे हैं. कितना शरारती है गाइस. मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि तू डॉग मत लियो, इट विल बी वेरी रिस्की, बट मैंने उसकी नहीं सुनी और मैंने लिया. एंड आई एम वेरी हैप्पी माय लाइफ हैज चेंज एंड आई हैव सो मच पॉजिटिविटी एंड आई लव यू बेबी छना. तो गाइज इस वीडियो में मेरी एंट्री बाद में है क्योंकि इस वीडियो का स्टार है मेरे डॉगी, न्यू डॉगी कोको. और अभी मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करने का सोचा है मैंने, थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल फिट और हेल्दी बनाने का सोचा है. हम यहाँ पे खेलने आए हुए 12 सेक्टर और मेरे को एक बहुत क्यूट सा बेबी मिला है. हेलो हेलो, आपके चैनल के नाम क्या दोबारा बताना. और क्या क्या बनाते आप उसमें? मॉरल स्टोरीज, ओके, एक्सपेरिमेंट, ओके. और आपको यूट्यूबर बनना आगे जाके? अच्छा, और आपको यूट्यूबर बनना आगे जाके? गाइज इस बेबी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. ओके चलो बाय बाय कर दो. बाय. Hey guys, so after a lot of workout, we are here back. Coco को मैं घर ले आई हूँ and मेरी बहन भी मेरे साथ आ गई है and we are super excited. So after workout, we were just sitting and planning कि क्या करें क्या करें. So we decided to make momos. Like I know after doing so much of workout, we have eaten momos. But yeah, अब क्या करें, दिमाग में जो चीज़ आ जाए वो तो करनी है. So we are all prepared up and we are making momos. So let me show you that how we gonna do and how we gonna make the momos. So let's go. तो मासी ने हेल्प करी आटा गूंदने में, तो हमने छोटे छोटे मैदे के बॉल्स बना लिए. दिस इज मी बेलिंग द जो डॉव होता है मोमो का. दिस इज द ऑयल, ये है दीपिका ने बनाया. दिस इज सुपर अमेजिंग गाइस, इट टेस्ट एग्जैक्टली द सेम. लाइक काश मैं आपको टेस्ट करा सकती, इट्स टेस्ट एग्जैक्टली द सेम जैसे मोमोज होता है. उसमें उसने ऑयल डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, देन ऐसे पत्ता गोभी, अनियंस एंड व्हाट मोर, लहसुन को मैश करके मिक्सी में देन ऑयल में इसने फ्राई किया है. इसको काफ़ी सॉटे किया है 10-15 मिनट. नाउ शी इज़ मेकिंग दिस परफेक्ट शेप ऑफ द मोमो. गाइस सी, ये सब बहुत मेहनत करने के बाद ये महारत हासिल करी है, ये परफेक्ट शेप पाने की. एंड यहाँ मोमोज आर सब, वी आर कुकिंग द मोमोज. यहाँ कुक हो रहे हैं, यहाँ शेप बन चुकी है. अच्छा, मुझे नेक्स्ट डो बनाना है तो पहले मुझे जो जैसा दीपिका ने सिखाया है, हमें थोड़ा ऑयल लेना है, ठीक है. फिर हमें ये बॉल लेनी है और इसमें इसको थोड़ा ऑयल में लगाना है हल्का सा. देन हमें इसको भूनना है. कितनी मुश्किल से शेप बनती है गाइस, पर मेरे को दीपिका ने कहा जितना पतला होगा उतना अच्छा होगा. तो ये हमने पतला सा छोटा रोटी भून दिया. मोमोज आर रेडी और अभी ये नए मोमोज डल रहे हैं. हमने मैदे के मोमोज बनाए हैं. शी ऑल्सो नोज टू मेक आटे वाले मोमोज एंड शी नोज एवरीथिंग एंड सी द चटनी एंड द मोमोज वी आर ईटिंग. ओ माई गॉड सो यमी. एंड दिस इज द चटनी हमारी मेड बना के चली गई थी. एंड ओ माई गॉड इट्स सो यमी. बहुत परेशान कर रखा है इसको, मेरी सारी कॉफ़ी चाहिए, इसी
इसको मेरी कॉफ़ी चाहिए, अब वो ढूंढ रहा है मेरी कॉफ़ी कहाँ है जो मुझे कॉफ़ी मिल जाए। कोको आई, छोटे बाबू है, छोटे बाबू है, मम्मा का पाला बाबू है, मम्मा का छोटा बाबू। हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो हेलो सबको हेलो कर दो, ऑडियंस को हेलो कर दो, हेलो ऑडियंस, आई एम कोको। ये मुझे काटता रहता है बस, और इतना बुरा है, इसको कितनी बार कहा है, इसका सुसु मैट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ कभी सुसु नहीं करता, ये हमेशा यहीं सुसु करता, मुझे पूरा साफ करना पड़ता है। बहुत शरारती हो चुका है, बहुत ज़्यादा, अभी अपनी खुद की क्रीम खा रहा है। नो नो,